नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दिलीप आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने नए ब्लॉग में। एंड आज का ब्लॉग हम शुरू करेंगे कल जहाँ पर हमने छोड़ा था। कल हमने खरदुंगला तक पूरा किया था, तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा था तो उसकी वजह से हमने छोड़ दिया था। अब हम यहाँ से नुब्रा तक की दूरी तय करेंगे और साथ में आपको यहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। तो अभी हम लोग हैं खरदुंगला टॉप पर और बर्फ तो आपने देख ली होगी, बर्फ कह रही है मैं ही हूँ तो, बट ठीक है, लेकिन एंजॉय भी हो रहा है। थोड़ा सा टफ भी था और आपने देखा कि लास्ट ब्लॉक थोड़ा हमारे लिए टफ निकला कि हम लोग गाड़ी क्लाइम नहीं कर रही थी। समहाउ हम लोग पहुँच गए थे खरदुंगला टॉप पे। तो अभी हम खरदुंगला से नुब्रा की तरफ निकल रहे हैं और ये अब हम आ गए हैं पीछे वाले एरिया पे। तो अब ये पीछे वाला जो एरिया है ये हमने आगे कैसे कवर करना है ये हम आपको मैप में दिखाते हैं साथ में। तो ये किस तरीके से है, तो दोस्तों आपको अपना जो नेक्स्ट ट्रेवल है मैं गूगल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। तकरीबन 86 किलोमीटर्स वी विल ट्रैवल। हम लोग खरदुंगला से नुब्रा तक ट्रैवल करेंगे। ये डाउन हिल ट्रैवल है मैक्सिमम और इसके अंदर में चार मेजर स्टॉपेज रहेंगे, खरदुंग विलेज और नॉर्थ पलू एंड खलसर। खलसर के बाद में हम लोग डिस्किट की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे एंड डिस्किट से टूवर्ड्स हुंडर। तो हमारा जो आज का स्टे है वो हुंडर में है। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से एंड देखिए चारों तरफ कितनी बर्फ है और कहीं पे भी मतलब वाइट वाइट ही नज़र आ रहा है। नज़ारा बिल्कुल बदल चुका है और ऑक्सीजन की कमी अभी भी हल्की फुल्की है, बट धीरे धीरे जैसे हमें मालूम हम नीचे जाएंगे सही हो जाएगा। और रोड की कंडीशन भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो चल रहे हैं हम लोग, देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। सिंस अभी कोई इतनी भीड़ है नहीं, हम ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग धीरे धीरे ट्रैवल कर रहे हैं। इन नॉर्थ पल्लू तक पहुँचे पहले, वहाँ पर जहाँ तक मेरे को पता है कि वहाँ पर हमें एक बार एंट्री करानी पड़ेगी पहुँचने के बाद में। तो वहाँ पे एंट्री कराएंगे एंड वहाँ पे कुछ ढाबे वगैरह भी हैं और कुछ देखेंगे खाने पीने के लिए। दोस्तों हम नुब्रा की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने खरदुंगला तो जैसे तैसे कवर कर लिया। अब तो ये जो रोड है खरदुंगला के खरदुंग विलेज की तरफ जा रहा है, उस पर काम चल रहा है एंड दे आर वर्किंग वेल फॉर अस एंड आई वी शुड से थैंक यू टू देम। देखते हैं, मेरे को शायद अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में अभी 2 घंटे और लगने हैं जो मेरे पास अभी एक एस्टिमेट है। तो आप देखो अभी तो जामनी वाले पहाड़ आ गए अपने, श्योक रिवर। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ पलू एंड अगर आप सामने ध्यान से देखेंगे जहाँ पे कोई दौड़ता हुआ जा रहा है और बैरिकेटिंग लगी हुई है, बूम बैरियर, वहाँ पर हमें ना अपनी एंट्री करानी है। तो अब हम जरा वहाँ से अपनी एंट्री करा कर आते हैं एंड यहाँ पे आसपास ढाबे भी हैं और वॉशरूम भी दिख रहे हैं, तो एक बार जरा उनका यूज़ कर लें एंड फिर आगे के लिए निकलते हैं। तो फिलहाल मैं ज़रा एंट्री करा कर आता हूँ एंड उसके बाद हम निकलते हैं आगे के लिए। तो दोस्तों टॉयलेट की उपलब्धता नहीं हो पाई, जो मिले वो इतने गंदे थे वी कैन नॉट यूज़ इट। तो फाइनली अब हमारे को वही जो मैंने शुरू में बोला था कि अपना टॉयलेट टेंट होना चाहिए, तो हम अपना टॉयलेट टेंट निकाल रहे हैं एंड विल यूटिलाइज दैट। तो ये सुविधा होती है अपने टॉयलेट टेंट की। तो मैं फिर दोबारा रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लेडीज़ को लेकर ट्रैवल कर रहे हो
कीप योर टॉयलेट टेंट विद यू। अभी देखिए साफ सुथरा रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। अभी मैं जितनी जगह होकर आया, इट इज नॉट गुड। चलो दोस्तों, अपना काम पूरा हो चुका है एंड अब यहाँ से हम निकलेंगे खरदुंग विलेज की तरफ को। एंड खरदुंग विलेज में मोस्ट ऑफ ऑल हम नहीं रुकेंगे एंड हम अब निकलेंगे खरदुंग, खरदुंग से खलसर। तो अभी हम निकल पड़े हैं अपने रूट पर एंड आगे जो मेरे को पता लगा है कि स्टिल रोड इज नॉट सो गुड, बट उतना बैड भी नहीं है। तो लेट अस सी, निकलते हैं अब, धीरे धीरे पहुँचेंगे तो पहुँच ही जाएंगे, बट अभी हम जरा घूमते फिरते जाएंगे। तो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर दोबारा आपसे जुड़ गया हूँ। अभी कुछ दिखाना था बढ़िया। आप देखिए जरा मेरे ये राइट हैंड साइड में आपको ना कुछ बादल से नीचे आते हुए नजर आएंगे। तो वैली के एक साइड में हो रही है बारिश और बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में। मतलब एक साइड बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, एंड दूसरी साइड में बारिश हो रही है और बारिश आपको होती हुई नजर आ रही है सामने। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जस्ट 2 मिनट। हाँ, ये देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है और वैली के दूसरी साइड में, और देखने में कितना सुंदर और कितना खूबसूरत दृश्य है। मतलब देखते ही बनता है। आप देखिए इसको, और मतलब मैं इसको आपको कैमरे के अंदर जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, इतना शानदार। और देखने में हम इतने मतलब रोमांचित हो जाते हैं, ऐसा मैंने मतलब पहले देखा नहीं है कितना। दोस्तों, नज़ारों के बारे में क्या बोलूँ मैं, मतलब समझ ही नहीं आता मेरे को। हर एक पहाड़ ख़त्म होने के बाद में जो दूसरा पहाड़ शुरू होता है ना, एक अलग रंग, एक अलग ग्रेन साइज और एक अलग टाइप शुरू होता है। कभी ये जामनी कलर के हो जाते हैं तो कभी ये भूरे कलर के हो जाते हैं। जब से मतलब लेह वाला रीजन शुरू हुआ है ना, हर एक हिल के बाद में जो नेक्स्ट हिल होता है वो एक अलग सुंदरता और एक अलग कलर लेकर आता है, और हम बस देखते रह जाते हैं और रोमांचित हो रह जाते हैं कि समझ नहीं आता कि ये बना कैसे है। तो फ्रेंड्स, रास्ते देखो कितने सपाट बने हुए हैं और सामने पहाड़ियां देखो, लोकेशन देखो, फिर बोलने मजबूर हो जाते हैं कि ये भगवान कहाँ से लाए हो इतनी सुंदरता। मतलब ऐसी जगह पे भी इतनी सीनिक ब्यूटी कैसे आ सकती है, लोगों की अप्रोच नहीं है इस जगह पे। बट हाँ, ये रोड्स के ऊपर ट्रेवल करके एक चीज के लिए मन जरूर करता है, सैल्यूट टू आवर बीआरओ, कितनी शानदार रोड बनाई हुई है। अब हम लोग, एक मेजर अपडेट देता हूँ, हम लोग पहुंच गए हैं खलसर। तो ये जो हम लोग लेफ्ट में टर्न लेने वाले हैं, और सामने देखिए जो रोड जा रहा है ना, जहाँ पे सामने मोटरसाइकिलिस्ट जा रहे हैं और ये गाड़ी जा रही है टेम्पो ट्रेवलर, ये जा रही है अगम शेयोक के रास्ते पेंगोंग को, और इधर से हम लोग मुड़ रहे हैं डिस्किट की तरफ को। ऑल दो रोड छोटा है बट रोड बहुत शानदार बना हुआ है। एंड अभी आप काफ़ी देर से मेरे साथ चल रहे हो, आपने शायद ही बीच में अभी कोई रफ रोड दिखा होगा, जो एक पैच था उसके बाद रफ रोड आया ही नहीं है। एंड मुझे लगता है कि बीआरओ और सरकार, दे आर डूइंग वेल टू मेंटेन द रोड्स, और यू कैन से अप्रोच बनाने के लिए सरकार बहुत काम कर रही है। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर जैसे जैसे अप्रोच डेवलप हो रही है तो हम लोग भी उधर पहुंच सकते हैं। अब आप सामने देखिए कितनी अच्छी वैली है, ग्रीनिश है। अभी देखो हम लोग सारा देख रहे थे इतनी देर में, सब बिना किसी पेड़ पौधे के, और सडनली ग्रीनिश आ गया। अब ये नीचे जो हमारे राइट हैंड साइड में है, ये श्योक रिवर है। तो अब हम इसके साथ साथ चलते जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे सीधा हुंडर। तो मिलते हैं आगे।
तो दोस्तों हम लोग अब नुब्रा पेट्रोल पंप से होते हुए टुवर्ड्स डिस्किट को जा रहे हैं। एंड ये बिल्कुल टोटली प्लेन एरिया है, एंड सामने जो आपको हिल नज़र आ रहे हैं अभी हमने उस पर चढ़ना है, तो थोड़ी देर में हम उसके ऊपर में क्लाइम करेंगे। देखिए यहाँ पर आप मेरे लेफ्ट साइड में लोगों ने कुछ व्यवसाय भी बना रखा है अपना, ये मतलब एडवेंचर एक्टिविटी कराते हैं यहाँ से, तो वो है। एंड तो अब हम जाने लग रहे हैं हुंडर की तरफ को। हुंडर के बीच में एक बहुत बेहतरीन जगह है जिसको हम बोलते हैं डिस्किट, और डिस्किट क्यों फेमस है? डिस्किट फेमस है अपनी मोनेस्ट्री के लिए। अगर आप सामने देख पा रहे होंगे तो आपको एक बहुत बड़ा स्टैचू नज़र आ रहा है बुद्धा का। तो अभी हम डिस्किट अपने कैंप जाने से मतलब हुंडर में अपने कैंप जाने से पहले डिस्किट में यहाँ पर मोनेस्ट्री में हम दर्शन करेंगे और उसके बाद जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ना लोग सिर्फ पिक्चर्स में, वीडियोस में या फिर फोटोज़ में देखते हैं, लेकिन कभी कभी इन चीज़ों के लिए सौभाग्य मिलता है, क्योंकि वहाँ पे भी एक भगवान बैठे हैं, वो जब तक ना बुलाए तो हम नहीं जा सकते। तो वी शुड से थैंक यू टू हिम। एंड अभी हम जाएंगे तो अब आप आपको दिखाते हैं, वहाँ के दर्शन कराते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं डिस्किट मोनेस्ट्री के अंदर में। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, एंड जहाँ तक मेरे को मालूम है, मैंने जो इसके बारे में पढ़ा है वो करीबन 14th सेंचुरी की मिनिस्ट्री है, मोनेस्ट्री है ये। और इसको कई लोग सब गुम्पा ऑफ टिक्से मोनेस्ट्री भी बोलते हैं। अब इतना डिटेल तो मेरे को नहीं मालूम, बट हाँ ये मेरे को मालूम है कि इस पर जो स्टेचू बना है इसकी तकरीबन हाइट 33 मीटर है। एंड वो देखिए सामने हम बैक साइड से आ रहे हैं, तो कितनी बड़ी स्टैचू है और कितना शानदार लग रहा है। इधर पार्किंग नज़र आ रही है, हम लोग गाड़ी इधर पार्क करेंगे एंड देन वी विल गो टू द स्टैचू एंड हम लोग दर्शन करेंगे देन उसके बाद। तो सी यू। दोस्तों हमने मोनेस्ट्री में भगवान बुद्धा के दर्शन कर लिए हैं। अब यही मोनेस्ट्री की एक कैंटीन से हमने कुछ अपना लंच करा, क्योंकि लंच करना काफ़ी लेट हो गया था, अभी तकरीबन 4 बज रहे हैं। तो अब हम लंच करके अपने फाइनल डेस्टिनेशन हुंडर में अपने कैंपिंग साइट पर पहुंच रहे हैं। तो वहाँ पर आज हम स्टे करेंगे नाइट का, और आज ही शाम को हमारा प्लान है कि हम लोग अभी यहाँ से पहुँचने के बाद में हम जो डेजर्ट ड्यून्स हैं, बेसिकली सैंड ड्यून्स हैं, उनकी विजिट भी अभी शाम का ही प्लान है। तो दोस्तों अब हम लोग हुंडर में अपनी कैंपिंग साइट पे पहुंच गए हैं, एंड कैंपिंग
कैंपिंग साइट में अभी हम अपना लगेज लुगेज रखेंगे एंड उसके बाद में हम लोग एक बार सेंट यूज पे जाएंगे। तो जस्ट ये पहुंच गए, ये हमारी कैंपिंग साइट है एंड ये भैया ओनर है कैंपिंग साइट के। अब हम गाड़ी लगा रहे हैं एंड लगा के फिर हम निकलते हैं जरा अपना सेंट ड्यून्स की तरफ। तो अब हम लोग लगेज रख के अपना सेंट ड्यून्स की तरफ को निकले आए एंड सेंट ड्यून्स में अभी गाड़ी हम पार्क करेंगे, थोड़ी देर हम घूमेंगे फिरेंगे और फोटो खिंचवाएंगे, देन वी विल गो बैक टू आवर कैंप क्योंकि आज का दिन बहुत ही हेक्टिक रहा है। जैसे आपको बताया था कि कब लेह से चालू हुए थे और खरदुंगला, खरदुंगला के बाद में हुंडर डिस्ट्रिक्ट होते हुए, तो हम लोग वापस जा रहे हैं अपने कैंप पे। और आज के लिए बस इतना ही, मैं आज के लिए हम लोग आपसे विदा लेना चाहेंगे और ये आशा करते हैं कि आपने हमारे ब्लॉग्स इंजॉय करे हों एंड आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे हों। मेरी कोशिश पूरी थी कि मैं आपको अपने कंटेंट्स के साथ कनेक्टेड रखूँ, बट फिर भी अगर कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बट आने वाले टाइम में आपके लिए और भी अच्छे और भी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमसे ऐसे ही मिलते रहें। एंड अगेन वन मोर रिक्वेस्ट, कंटेंट्स पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें सो दैट कि हमें भी कोई सपोर्ट हो आपसे। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। We'll be right back.